أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. उम्मीद रहता है कि सब खैरियत से होंगे. अल्लाह ताला हम सबको खुदाफे से रखे, हिफ्ज़-ए-अमान में रखे, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमाए. अल्लाह ताला हम सबको कुरान से जोड़ के रखे, कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे, सीनों का नूर बना दे, गमों को दूर करने का जरिया बनाए और इसको हमारे हक में हुज्जत बनाए. कुरान से सीख, कुरान को सीखना पढ़ना अमल करना हमारे लिए आसान करे और इसको हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बना दे, आमीन. आज हम सूरह अस-सजदा की आयत नंबर 15 से 30 तक करेंगे. इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन को तोड़ के समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि इसको याद करना, आप याद रखना हमारे लिए आसान हो. अल्लाह ताला हमारी हर कोशिश के बदले हमें बढ़ा चढ़ा के अजर दे, आमीन. शुरू करते हैं सूरह सजदा आयत नंबर 15 से. अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम. इन्नमा बेशक यूमिनु ईमान लाते हैं, बी आयातिना हमारी आयात पे, अल्लदीना वो लोग, इदा जब ज़ुक्किरू वो नसीहत किए जाते हैं. ذَكَّرَ يُذَكِّرُ تَذْكِيرُ का मतलब नसीहत किया जाना, रिमाइंड के मीनिंग में आता है कि रिमाइंडर्स जो दिए जाते हैं. और ज़ुक्किरु जो है इसमें आप ये लिख लीजिए कि ये पैसिव है, मजहूल लिख लीजिए इस पे. ज़ुक्किरु वाव साकिन बता रहा है वो जमा में है और वो नसीहत किए जाते हैं. अगर ये एक्टिव वर्जन होता नॉर्मल तो इसमें मतलब वो नसीहत करते हैं किसी को, तो वो डूअर होते हैं नसीहत के. लेकिन यहाँ पे नसीहत किए जाते हैं और डूअर कौन है नसीहत का वो मिस्ट्री नहीं पता और यही मजहूल का अंदाज होता है. तो बात समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तब भी इसकी ट्रांसलेशन अगर आप पैसिव मजहूल करके इसको हाईलाइट करके याद करेंगे तो अच्छे से याद कर सकेंगे. इधर वो जब वो नसीहत किए जाते हैं, बिहा साथ इनके, हा की जमीर मुअन्नस की जमीर है. किसकी तरफ इसका इशारा है? जब भी हा मतलब मुअन्नस की जमीर आए तो आप सोचा करें कि कहाँ है इशारा, क्योंकि आमतौर पर मोस्टली मुजक्कर की होती है लेकिन मुअन्नस की होती है जब कोई मुअन्नस आता है साथ. तो यहाँ पे क्या चीज मुअन्नस दिख रही है? तो आयत अरबी में जो भी चीजें गोलता जिनके आखिर में आती है वो मुअन्नस कंसिडर की जाती हैं. जिस तरह आयतुन, जब आपको पता है आयत का सिंगुलर होता है आयतुन, तो आया, मग़फ़िरा, क़ियामा, रहमा, जिस चीज में भी गोलता आखिर में आती है तो वो मुअन्नस कंसिडर की जाती है. तो यहाँ पे इशारा आयात की तरफ है. ज़ुक्किरु बिहा, जब वो नसीहत किए जाते हैं, बिहा साथ उनके यानी कि उन आयात के, खर्रू वो गिर पड़ते हैं. खरा या खुर्रू इस या खुर्रू ये जो है गिरने के लिए यूज करते हैं, जो फॉल वाव साकिन प्लतारा प्लूरल में है, वो गिर पड़ते हैं सुजदन सजदा करते हुए. वसबहू और तस्बीह करते हैं. खर्रू भी फेल है, फेल माजी, और सबहू ये भी फेल है, फेल माजी, वो तस्बीह करते हैं. बिहम्दी साथ हम्द के, रब्बी हम अपने रब के, वहम और वो, ला यस्तकबिरु नहीं वो तकबर करते. ये फेल मुदारे है, जब भी चीज के पहले या आ जाए तो फेल मुदारे है कन्फर्म. यहाँ पे सजदा है. आगे देखते हैं, तजाफा अलग रहते हैं. तजाफा इसका रूट वर्ड है जीम फा वाव. कुरान में ये रूट वर्ड सिर्फ यहीं पे आया है और नहीं आया कहीं भी. तो तजाफा अलग रहते हैं. जुनूबुहुम पहलू उनके, जुनूब कहते हैं साइड्स, जीम नून बा रूट वर्ड है और जुनूबुहुम पहलू उनके, साइड्स उनके अलग रहते हैं. अनिल मदाजी बिस्तरों से, मदाजे दौद जीम आइन रूट वर्ड है. इनको देखते हैं हम कुरान में, तो तजाफा तो एक ही दफा है कुरान में, यहाँ और जगह ये रूट वर्ड नहीं दिखेगा जीम फावाओ. तो तजाफा अलग रहते हैं. जुनूबुहुम, जुनूब जो है इसके मीनिंग जो है इसको देखते हैं हम कुरान में और कहाँ नजर आता है हमें, जो हम सूरह आल इमरान की आयात में मदाजे भी मिलता है. यहाँ पे पहले मदाजे देख लेते हैं. मदाजे जो है लफ्ज है ये कुरान में 3 दफा है टोटल, जो बेड्स के लिए, तो 2 दफा बेड्स के लिए और 1 दफा डेथ बेड के लिए भी है. तो मदाजे जिस तरह सूरह अन्निसा की आयत नंबर 34 है, इसमें जहाँ पे अर्रजालु कवामूना ये वाली आयत है, इसमें आखिर में कि वह जुरुन्ना
और अलग कर दो उन औरतों को, फिल मदाजे इन द बेड, बिस्तरों में अलग कर दो। तो यहाँ पे एक दफा बेड के लिए आया और एक दफा जो है एक जगह पे ये डेथ बेड के लिए भी आया कि लेकिन बेड से ही इसका ताल्लुक है। इसके अलावा हम इसको देख लेते जुनूबुहुम कहाँ है, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 191 है, अल्लदीन यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन, के जो लोग अल्लाह को याद करते हैं खड़े खड़े वक़ूदन और बैठे हुए सिटिंग, वाला जुनूबिहिम एंड अपॉन देयर साइड्स, यानी कि अपने पहलुओं पर भी। तो जुनूब का लफ्ज यहाँ पे आया है, जीम नून बा रूट वर्ड है, एक जगह साहिब जंब के यानी कि पहलू के साथ ही मीन्स कुलीग्स वगैरह के लिए भी लफ्ज आया है। आगे चलते हैं, तजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजे यदऊना, वो पुकारते हैं रब्बहुम अपने रब को, खौफन खौफ व तमा और उम्मीद से, तामीन रूट पर उम्मीद के लिए आता है, व मिम्मा और उसमें से जो रज़क़नाहुम रिज़्क़ दिया हमने, अटैच प्रोनाउन हम उन्हें, युनफिकून खर्च करते हैं, फला बस नहीं तालमु जानता, नफ्सुन कोई नफ्स, नफसुन तनवीन है, तनवीन के अक्सर ट्रांसलेशन आप देखेंगे कि जो नकरा होता है कोई या एक करके ट्रांसलेशन होता है कोई नफ्स, तो यहाँ पे नफसुन, और ये ता जो है ये मोनस की ता है, जैसे ये तुम की इसकी ट्रांसलेशन नहीं है, ता मोनस की ता है, और ये क्यों है, क्योंकि नफ्स जो है ये मोनस है, अरबी में नफ्स को मोनस कंसिडर किया जाता है, तो ता इसलिए इस्तेमाल हुई है। फला पस नहीं था आलमो जानता नफ्सुन कोई नफ्स माँ जो कुछ उखफिया छुपाया गया है, उखफिया का रूट वर्ड खाफा या है, खुफिया लफ्ज हम उर्दू में भी छुपाने के लिए आता है कि खुफिया चीज है, ये खफी उर्दू में इस्तेमाल होता है, उखफिया जो है ये भी मजहूल है पैसिव, कि कोई चीज हिडन की गई है और करने वाला इसमें मिस्ट्री होता है नहीं पता चलता मजहूल में, तो ये उखफिया भी फुइला का वजन है और है ये छुपाया गया, मीनिंग फुइला का वजन तो नहीं है मगर माजी मजहूल है ये छुपाया गया, लहुम उनके लिए, मियां कुर्रा ठंडक से, कुर्रत आयनिन आयुन अक्सर साथ ही आया है, इसका मतलब आंखों की ठंडक, कुर्रत का रूटवर्ड काफरारा करार जैसे होता है, करार रूट वर्ड है, तो देखा जाए तो आंखों का करार आंखों की ठंडक, तो कुर्रह काफरारा कूलनेस और आयुन आंखों की, तो ये जब भी ये आया है कुर्रह ठंडक के लिए तो उसके साथ आंखों के साथ ही आया है, ये प्लूरल में ट्रांसलेशन है, आयन या नून रूट वर्ड, जज़ान बदला है बिमा उसका जो कानून थे वो या अमलून वो अमल करते, अफमन आ क्या फा भला मन जो, अक्सर आप देखेंगे अवला अवलाउ अफामन जब इस तरह आता है तो बीच वाले इसकी ट्रांसलेशन भला करके ज्यादा मेक सेंस करता है, अफामन क्या भला वो जो काना है मुमिनन मुमिन, कमन कमन मानिन लाइक मन जो, तो कमन मानिन उसके काना हो सकता है, तो का में ट्रांसलेशन होती है मानिन की लाइक की, और मन जो है इसकी ट्रांसलेशन होती है हुएवर वो जो, लेकिन जुमला बनाने के लिए मानिन उसके काना हो सकता है, फासकन जो फासक है, ला यस्तवून नहीं वो बराबर हो सकता है, या इसका रूट वर्ड है सीन वाव या, ये अक्सर कभी इस तरह बराबर के लिए भी आता है कि ला यस्तवी क्या वो बराबर हो सकते हैं, तो उसमें अक्सर ये रूट वर्ड इस तरह ही आता है ताक के बाब में, और तो वही ला यस्तवून नहीं वो बराबर हो सकते नहीं वो इक्वल हो सकते है। अम्मा रहे अल्लदीन आमनु वामिलु सालिहाती, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए नेक, फलहुम तो उनके लिए जन्नातु बागात हैं, अल्मावा रहने के, वा का रूट वर्ड है हमजा वाव या रूट वर्ड जो है पनाह लेने के लिए आता है, कुरान में जब हम फेल की तरह देखते हैं पनाह लेने के लिए आता है ये, यतीमन फ़ाआवा, तो मावा क्या होता है पनाह लेने की जगह जो बिल्कुल रहने जहाँ पे इंसान पनाह ले, तो जन्नतुल मावा बागात है रहने के, नुजुलन मेहमानी होगी, नुजुलन मेहमानी के लिए ज़ियाफ़त के लिए आता है, सूरह कहफ में भी आता है नजर हमें, नुजुलन मेहमानी होगी बीमा
क्यों होगी? जब भी किसी सजा के बाद या किसी गिफ्ट के बाद बी आता है बिमा, तो वो बी जो होता है वो तो बावजह उसके, बिकॉज का, कि क्यों सजा मिली या क्यों ये जन्नत मिली, तो ये बावजह है बिमा, बावजह उसके जो कानून थे वो या अमल वो अमल करता है। यहाँ पर रुक के एक चीज हम बस डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी काना और ये मुदारे का सिगा साथ आता है जैसे यहाँ पे है और काफी कुरान में आप देखते हैं बार बार, तो बेसिकली इसमें होता है कि जो वो यूज टू डू थे, यानी कि जो करते रहते थे करते रहते थे, एक कुछ अमल नहीं थे मगर वो उसको करने के आदी थे। तो अक्सर कुरान में आप कोई चीज के इसमें बहुत दफा आखिर में आता है, तो इसका मतलब उनकी हैबिट थी, वो इतना बहुत ज्यादा करते रहते थे। तो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग भी आमन वामन सालिहात में अल्लाह ताला हमें भी जन्नत दे, मगर ये वजह क्या है कि वो यूज टू थे इन चीजों के, बार बार करते थे, नेक अमल करते रहते थे, तो अल्लाह ताला हमें भी करने वाला बनाए। तो ये अंदाज कुरान आपको नजर आता है, इस पर गौर कीजिएगा, काना या कानू और साथ जो है फेल मुदार है, कोई थे वो अमल करते व अम्मा और रहे वो अल्लादीन जिन्होंने फसकू नाफरमानी की, ऊपर फासका फासकन था इस्म था, यहाँ पे फसकू उसी का फेल आ गया, फसकू नाफरमानी की, फिस्क किया उन्होंने, वाहुम पस ठिकाना उनका अन्नार आग है, कुल्लमा जब कभी अरादू वो इरादा करेंगे, कुल्लमा के मतलब यही होते हैं कि वेन एवर के नजर आता है कुरान में, वेन एवर अरादू वो इरादा करेंगे, रावा दाल रूटवर्ड होता है, अन के या खुरुजू वो निकल आए, मिन्हा उससे किससे, हा की जमीर किसकी तरफ जा रही है, नार की तरफ, अरबी में अन्नार और जहनुम के सारे नाम उसको मुअन्नस कंसिडर किया जाता है, तो या खुरुजू मिन्हा कि वो निकल आए उस आग से उस नार से, उईदू वो लौटा दिए जाएंगे। अच्छा उईदू में भी रूटवर्ड तो है आइन वाव दाल, आइन व दाल रिटर्न के लिए आता है और उईदू वो लौटा दिए जाएंगे। इसमें एक और चीज फिर से आप इसमें लिख लें, ये मजहूल है, मजहूल जो होता है ये भी माजी मजहूल है, और इसमें उईदू वो लौटा दिए जाएंगे, वो खुद नहीं लौट, अगर वो खुद लौट रहा होता है, वो लौट रहा होता है तो वो उसके डूअर होते हैं, मगर वो लौटा दिए जाएंगे। तो अब कौन लौटाएगा ये इसमें मिस्ट्री है, और यही मजहूल का अंदाज होता है, वही वो लौटा दिए जाएंगे। और एक और चीज आप नोट करेंगे कि जो मजहूल होता है उसकी अक्सर जो स्पेशली अब जैसे ये माजी मजहूल है तो इसमें ट्रांसलेशन किया गया किया इस तरह होता है, मगर ये चूंकि उसका है आप देखें फ्यूचर की बात है कि आग में वो लोग ऐसा करेंगे, जो ट्रांसलेशन प्लूरल उसमें हम फ्यूचर में कर रहे हैं, अदरवाइज इसकी ट्रांसलेशन इसी तरह की जाती है कि किया जाएगा किया जाता है इस तरह। तो वो लौटा दिए जाएंगे फीहा उसी में आग में, इसको एक जगह देख लेते हैं कुरान में और कहाँ है, ऑलमोस्ट ऐसी आयत सूरह हज की आयत नंबर 22 है, इसमें है कुल्लमा एवरी टाइम जब कभी अरादु वो इरादा करेंगे वो चाहेंगे अन की यखरुजू के वो निकल जाए, मिन्हा उससे यानी साग से, मिन गम के मारे, उईदू दे विल बी रिटर्न्ड वो लौटा दिए जाएंगे वापस लौटा दिए जाएंगे फीहा उस आग में। तो ये सूरह हज में आयत नंबर 22 में हम ऑलमोस्ट यही चीज देखते हैं, उईदू फील वो है मजहूल है फीहा इसी में, वकीला और कह दिया जाएगा ये भी एक्चुअली मजहूल होता है, कीला कीला कह दिया जाएगा, लहुम उन्हें जब भी काफ़ और लाम रूट वर्ड के बाद काला या कुलू कुलना कुलतुम कीला जैसे इसके बाद जब ला या ली आता है इसका मतलब है किससे कहा जाएगा, कीला कह दिया जाएगा, लहुम उनसे तो ये से की ट्रांसलेशन बेसिकली होती है, उनसे कह दिया जाएगा, जूको चखो फेल अमर है, चखो आजाम नारी अजाब आग का, अल्लदी वो जो कुन तुम थे तुम भी जिससे तुकद्दिमुन तुम सब झुटलाते तुम झुटलाते थे। आयत नंबर 21 वलनुज़ीक़न्नहुम व और ला अलबत्ता नून मुदारे से पहले नून आती है हम की होती है, नुज़ीक़न्ना हम जरूर चखाएंगे, जरूर की ट्रांसलेशन इस नून की तशदीद से आ गई, इसको ब्रेक करेंगे इधर, वलनुज़ीक़न्ना अलबत्ता हम जरूर चखाएंगे, चखने का रूट वर्ड क्या होता है ज़ाल वाक़ाफ़, ज़ायका लफ्ज इसी से होता है, तो नुज़ीक़न्ना अलबत्ता हम जरूर चखाएंगे और
किसको चखाएंगे? अटैच प्रोनाउन है हुम, उन सबको चखाएंगे. तो ये अटैच प्रोनाउन की ट्रांसलेशन हो गई. मिन अदाबी, अजाब में से अल अदना, कमतर हल्का. अच्छा, अदना जो है दाल नून वाओ रूट वर्ड. अदना कभी नियरर के लिए भी आता है. एक तो पहले बात ये कि इसमें तब्दील का सीगा है अदना, तो ये पहली बात. इसम अल तो लगा हुआ, अगर खाली अदना हो तब भी इसमें तब्दील का सीगा होता है ये कंपेरेटिव. दूसरा, अदना कुरान में नियरर के मायने में भी आता है, करीब, जैसे अदनल अर्द, करीब की जमीन के मायने में. और कभी ये कमतर, इंफीरियर के मीनिंग में भी आता है, जैसे यहाँ पे मिन अदाबी अदना, मिन अदाबिल अदना, कमतर हल्का. इसको एक दफा कुरान में और देखते हैं कि अदना यानी कमतर के मीनिंग. हम उर्दू में भी अदना कमतर के लिए जैसे यूज होता है कि कोई चीज अदना है, छोटी है. तो अच्छा, ये तो उसकी है सूरह नूह की आयत नंबर 18 में, युईदुकुम युखरिजुकुम मिनखराजा. लेकिन हम देख रहे हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 61 है, इसमें जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि कौला अतस्तब्दिलूना, क्या तुम एक्सचेंज करना चाहते हो, अल्लदी, वो जो हुआ वो, अदना इन्फीरियर है कमतर है, बिल्लजी, उसके बदले जो बेहतर है. यानी तो इसमें अदना इन्फीरियर कमतर के लिए था सूरह बकरा की आयत नंबर 61 में. और ये वैसे भी हम अदना उर्दू में भी कमतर के लिए इस्तेमाल हो जाता है. एक और जगह देख लेते हैं, इसमें भी बड़ी सी आयत है, सूरह सबसे बड़ी आयत है बल्कि सूरह बकरा की, कुरान की सबसे बड़ी आयत, आयत नंबर 282 सूरह बकरा. इसमें भी अदना आता है, लेकिन इसमें अदना के मीनिंग डिफरेंट होंगे. इसमें अदना के मीनिंग नियरर है. तो कभी अदना के मीनिंग नियरर के आते हैं, करीब तर के, और कभी इंफीरियर के. मगर इंफीरियर के कुरान में आपको कम नजर आएगा, यहाँ पे नजर आएगा, सूरह बकरा की जो एग्जांपल थी उसमें नजर आएगा. और मगर हम उर्दू में भी ये यूज करते हैं. तो आसान है, कमतर हल्का, दून अल आदाबी, अलावा आदाब, अजाब अल अकबरी, अजाब बड़े के, लअल्लहुम, शायद के वो, यरजिऊन, वो लौट आए, या पहले ऊना बाद में वो जमा में है, राजी में आइन रूट पर, यरजिऊन, वो लौट आए. वमन और कौन, जब भी मन सवालिया होता है या शुरू में आता है तो इसकी ट्रांसलेशन कौन या किसने, और बीच में आता है तो जो या जिसने. अज़लमु, बड़ा जालिम. अज़लमु जो है इसमें तब्दील का सीगा है, अकबरु ज्यादा बड़ा है, असगरु ज्यादा छोटा है. अज़लमु ज्यादा बड़ा जालिम है, तो बड़ा जालिम है. मिम्मन, उससे जो जुक्किरा, नसीहत किया गया. ये भी मजहूल है, आपने ऊपर जुकीरू पढ़ा था और वो जमा में थे, वाव साकिन बता था, वो जमा में था. तो फिर था क्या, वो नसीहत किए गए, इजा जुकीरू था, जब वो नसीहत किए जाते तो ऊ था, तो वो प्लूरल में तो जो नसीहत किए जाते, यहाँ पे जुकीरा सिंगुलर है तो नसीहत किया गया, यानी कि एक सिंगुलर की बात हो रही है मजहूली. जो नसीहत किया गया भी आयात ही साथ, आयात के रबी ही अपने रब की, सुम्मा फिर उदा, उसने मुंह मोड़ लिया है. आरदा योरिदु, एराज मुंह मोड़ने के लिए आता है. और उसने कहाँ से आया, फेले माजी के आखिर में जब जबर, यहाँ खड़ी जबर नजर आता है तो उसमें हुआ की जमीर हिडन होती है वाहिद मुज़क्कर की. आरदा, उसने मुंह मोड़ लिया, उसने एराज किया, अनहा, उससे, किससे, हा की जमीर किसकी तरफ जा रही है, आयात की तरफ. हमने पहले भी देखा था आयात जो है मुन्नस कंसिडर की जाती है, उनसे, आयात से. इन्ना, बेशक हम, मिनल मुजरिमीन, मुजरिमों से, मुंतकिमून, इंतकाम लेने वाले हैं. मीम पे पेश हो, ऊना इना आखिर में हो तो ट्रांसलेशन वाले करके किया जाता है. मुंतकिमून का रूट फॉर नून काफ मीम, इंतकाम लेने वाले हैं. वलकद, और अलबत्त, तहकीक, आतेना दी, हमने मूसल किताब, मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, फला पसना तकुन, आप होता है तुम की, यानी कि आप, तकुन आप हो, फिर मिरियतिन, शक में, मिरियतिन का रूट वर्ड मीमरा या डाउट, शक के लिए आता है मिरिया, मिरियतिन शक में, मिल लिकाईही, उसकी मुलाकात से. लिकाईही का रूट वर्ड लाम काफ या, कुरान में बहुत दफा है, उर्दू में मुलाकात इसी से है हमारा. वजअलनाहु, और बनाया हमने हु उसे, किसे, सोचा करें जब भी जमीर आए किसे, किताब को, क्योंकि किताब की बात हो रही है, हमने बनाया उसे हुदन, हिदायत, ली बनी इसराइल, बनी इसराइल के लिए. वजअलना, हमने मिनहुम, उनमें से, इम्मतन, इमाम,
अइम्मा, हम उर्दू में भी कहते हैं अइम्मा कराम, तो रूट वर्ड तो हमजा मीम मीम है और प्लूरल होता है अइम्मा, तो बनाए उनमें से हमने इमाम, यहदूना जो रहनुमाई करते हैं, गाइड करते हैं, भी अम्रीना हमारे हुक्म से, लम्मा जब, सबर उन्होंने सबर किया, फेले माजी है जिसे कालू उन्होंने कहा, सबर उन्होंने सबर किया, और कानू और थे वो, भी आयातिना हमारी आयात पर, यूकीनून वो यकीन रखते हैं, इन्ना रब्बा का बेशक रब आपका हुआ वही, यफसिलू वो फैसला करेगा, बेनहुम दरमियान उनके, फासा लाम रूटवर्ड, जब भी ये फास और लाम रूटवर्ड बैना के साथ आता है तो इसका मतलब यही होता है कि डिसीजन के उस मीनिंग में होता है, डिसीजन मेकिंग के मीनिंग में होता है, तो यफसिलु बैना वो फैसला करेगा दरमियान उनके, यौमा दिन, अलकियामा कियामत के, फीमा उसमें जो, कानू थे वो, फीही जिसमें, यख्तलिफून वो इख्तलाफ करते, अवलम क्या भला नहीं, आ क्या वा भला, लम नहीं, लम जो है डिड नॉट के लिए आता है यानी कि माजी के लिए, अवलम क्या भला नहीं, यह दी रहनुमाई की, यह दूना प्लूरल में था ऊपर, यहाँ पे यह दी सिंगुलर का वर्जन है, और अवलम यह दी क्या भला नहीं, रहनुमाई की, गाइड किया यानी कि दिखाया रास्ता, लहुम उनकी, अवलम यह दी लहुम क्या भला नहीं, रहनुमाई की उनकी के, अब ये ट्रांसलेशन थोड़ी सी डिफरेंट सी है मगर जुमला बनाने के लिए देखें बेहतर है, क्या भला नहीं रहनुमाई की उनके लिए के बजाय उनकी, के कम कितनी ही हलकना हलाकी हमने, मिन कबलहिम उनसे पहले, मिन अलकुरूनी उम्मतें, कर्न की जगह कुरून, कर्न की जमा कुरून, काफरा नून रूट वर्ड उम्मतें, कभी इसकी ट्रांसलेशन बस्तियां भी की जाती है, करियातन की तो होती बस्ती है, कुरून में उम्मत कौमें किया जाता ट्रांसलेशन, मिनल कुरून उम्मत यमशूना वो चलते फिरते थे, मीम शिंजा रूट वर्ड, फी मसाकिनीम उनके घरों में, मस्कनों में, मसाकिन में वो चलते फिरते थे, इन फी ज़ालिका लआयात बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं, अफला यस्मऊन क्या भला नहीं, यस्मऊन वो सुनते, अवलम क्या भला नहीं, आज तो बहुत दफा एग्जाम्पल आ गया फला अवलम, तो जब भी इस तरह की तीन चीजें मिक्स आती हैं तो फा या वा का ट्रांसलेशन भला करके करते हैं, अवलम क्या भला नहीं, या रहो उन्होंने देखा, अन्ना बेशक हम, नसुकू हम चलाते हैं, नून हम की हो गई, जब भी फेले मुदारे से पहले नून आता है वो हम का होता है, साका यसुकू रूट वर्ड सीन वा काफ होता है इसका, इसके मीनिंग होते हैं टू ड्राइव, कभी ये वहां पे भी आता है कि नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम वर्दा के वो हाँक लिए जाए, मुजरिमीन को ड्राइव करके लेके जाएगा जहन्नम की तरफ, तो वहां पे भी ये रूट वर्ड आता है, बल्कि ये लफ्ज ही आता है नसूकु, तो टू ड्राइव के मीनिंग में आता है कि ड्राइव करके लेके जाएंगे, मगर पानी के को भी ड्राइव करने के लिए होता है, जैसे यहाँ पे कि नसूकु हम ड्राइव करते हैं पानी को तरफ, जमीन के लिए उस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, और हम एक और दफा सूरह फातिर के आयत नंबर 9 में, उसमें भी इस तरह के अल्लाह ताला ने कहा कि हम बादलों को जब भेजा अल्लाह ताला ने, तो फतुसीर सहावन तो वो रेस करते हैं, उठाती हैं बादलों को, फसुखना हूँ एंड वी ड्राइव देम, तो सुखना में रूट वर्ड वही है सीन वकाफ, शक्ल थोड़ी सी चेंज है क्योंकि ये माजी का सीगा है इसमें, फसुखना हूँ तो हम ले जाते हैं हु उसे किसकी तरफ, जो फिर आगे मुर्दा जमीन की तरफ ले जाते हैं, उसको फिर जिंदा कर देते हैं, तो ड्राइव के मीनिंग में है, साका यसु को बादलों को हाँक के ले जाते हैं, ड्राइव करके ले जाते हैं, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट उसी तरह के मीनिंग में आ रहा है, तो टू ड्राइव के मीनिंग में होता है ये, चलाते हैं हम पानी को तरफ जमीन के, अलजुरुजी बंजर के, जुरुस का रूट वर्ड जीम राजा, कुरान में ये रूट वर्ड दो दफा आया है, दोनों दफा जमीन के लिए ही आया, बंजर जमीन के लिए, एक दफा आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको, और एक दफा हम इसको देखते हैं सूरह कहफ की आयत नंबर 1 आयत नंबर 8 में, के बेशक यकीनन हम बना कर रख देंगे जो कुछ जमीन में है उसे साइदन जुरुजा बैरन जमीन में, बंजर चटियल, चटियल के मीनिंग भी किए गए उसमें, लेकिन बेसिकली बैरन के लिए जुरुस आता है,
क्योंकि जो चीज बैरन होगी, बंजर होगी, वो चटियल होती है, बिल्कुल साफ होती है, इसमें कुछ नहीं उगता। तो दोनों ट्रांसलेशन इसलिए ठीक है कि बंजर है इसमें कुछ उगता ही नहीं, तो वो चटियल रहेगी, बिल्कुल ही क्लियर। तो जुरूस 2 दफा कुरान में, 1 दफा सूरह कहफ में आयत नंबर 8 में, और 1 दफा हम यहाँ देखते हैं। फनुखरी जो फिर हम निकालते हैं भी साथ उसके, किसके, पानी के, जरा खेती को, कुलू खाते हैं, हमजा काफला रूट वर्ड, कुलू खाते हैं, मिनहू उससे, किससे, खेती से, अनआमहुम उनके मवेशी, उनके मवेशी, अनाम हमें पता मवेशी को कहते हैं, वो अनफुसहुम और खुद भी, अफला क्या भला नहीं, तो युब सिरून वो देखते, यकुलूना और वो कहते हैं, मता कब होगा, वन हाजल फतह ये फैसला। फतह की ट्रांसलेशन ज्यादातर कुरान में फतह की ट्रांसलेशन विक्ट्री की है, फतह जैसे हम उर्दू में कहते हैं फतह, इजा जाए नसरुल्लाहि वल फतह, तो फतह की ट्रांसलेशन फतह की ज्यादातर कुरान में विक्ट्री के लिए है, सिवाय कुछ जगह के। अब जैसे यहाँ पे आप 2 दफा देखेंगे, 1 दफा हम और एग्जाम्पल देखेंगे, अदरवाइज इसका ट्रांसलेशन विक्ट्री के लिहाज से होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी फतह की ट्रांसलेशन फैसले की है। हाजल फतह ये फैसला, इन कुंतुम सादिकीन अगर हो तुम सच्चे, कुल कह दीजिए, यौम फतह दिन फैसले के, तो इसी की मुनासबत ये भी फैसले के दिन। तो यहाँ पे रुक के हम फतह देखते हैं और कुरान में कहाँ पे, इस तरह सूरह अशूरा की आयत नंबर 118 है, इसमें भी अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ पे दुआ की थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, फफ्तह सो फैसला कर दीजिए, बेनी मेरे दरमियान, बेन हम और उन दोनों उनके दरमियान, फतन विद डिसाइसिव जजमेंट, दो टोक फैसला। तो ये फैसले के लिए यहाँ पे कुरान में फैसले के लिए आया है फतन, और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वैसे ज्यादातर कुरान में इसके अलावा विक्ट्री के लिए देखेंगे, जो उर्दू वाली फतह है। कुल कह दीजिए, यौम फतह फतही दिन फैसले के, ला यनफाउ नहीं नफा देगी, का अल्लदीन कफरू उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया, ईमानुहुम ईमान उनका, ईमान लाना उनका, यानी उस वक्त वो ईमान लाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तो ये कह दीजिए। तो इसीलिए इसमें ईमान की ट्रांसलेशन, ईमान लाना इस वक्त मुनासिब है, क्योंकि दुनिया में वो ईमान नहीं लाए, मगर यौम फतेह में जब वो ईमान लाएंगे कि हम ईमान लाए, तो उसको कोई फायदा नहीं देगा। वला और ना हम वो युनजरून वो मोहलत दिए जाएंगे, युनजरून मुनजरा रूट वर्ड है, या पे पेश हो या यता पे पहले, या यता जो हो उस पे पेश हो, थर्ड लेटर पे जबर हो, तो ये क्लियर गिव अवे है कि ये मुदारे मजहूल है, तो उस पे पैसिव लिख लीजिए। और युनजरून या पहले ऊना बाद में वो जमा का सीगा है, और वो मोहलत दिए जाएंगे। अच्छा, नजर का जो रूट वर्ड है नुनजरा, ये जब नजर यंजुरू करके आता है उसका मतलब देखना, जैसे हम उर्दू वाली नजर होती है कि देखना जो होता है, लेकिन जब ये अनजरा युनजरू करके आता है, यानी डिफरेंट बाब में आता है यही रूट वर्ड, तो इसके मतलब होता है मोहलत देने के, टू गिव रिस्पाइट, जैसा कि हम मतलब ये कुरान में और जगह नजर आता है, मगर ये यूं जरूर तो कई दफा आता है, और पैसिव के ही मजबूत तो अल्लाह ताला हमें दुनिया में ही समझ अता फरमा दे, आखिर की फिक्र दे दे, आमीन। आखिरी आयत आ गई, फ़ारित बस एराज कीजिए, फेले अमर है, आनहुम उनसे, मुंतजर इंतजार कीजिए, इंतजार हम उर्दू में भी कहते हैं, इसका रूट वर्ड भी नुमजा रहा है, जब ये इस बाब में आता है कि ताबीज में आ जाए, इसके मतलब इंतजार हो जाता है, मुंतजर और इंतजार कीजिए, इन्नहुम बेशक वो भी, मुंतजरून इंतजार करने वाले है, मीम पे पेश है, ऊना इना आखिर में ट्रांसलेशन वाले के करते हैं, मुंतजरून इंतजार करने वाले, और इनफैक्ट मुंतजर भी हम उर्दू में कहते हैं कि वो उनके मुंतजर थे। यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हुआ, इसमें जो भी गलती कमी कोताही थी हमारे नफ्स की वजह से थी, अल्लाह ताला उसमें हमें माफ करे, इसकी बेहतरीन हिस्से से हमें फायदा उठाने वाला बनाए, अल्लाह ताला कुरान को हमारे दिलों के बाहर बना दे, और इसमें जो भी हम इससे हमें मोहब्बत कर दे अल्लाह ताला, और इसके साथ जो भी हम टाइम लगाते हैं अल्लाह, इसको हमारे लिए
बख्शिश का जरिया बना दे अल्लाह ताला, हमें हमारे वालदैन के लिए सदका जारिया बनाए, हमारे बच्चों को हमारे लिए सदका जारिया बनाए, और इस उस दिन की हमें फिक्र लगा दे कि हम उसके लिए अच्छे से तैयारी कर सकें, हमें ईमान और अमल सालेह अता फरमाए और मुसलसल अमल सालेह करने वाला बनाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंत तवाबुर रहीम। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।